हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप की कॉस्ट कितनी है? 160। कंबाइन करके देते हैं कॉस्ट को 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। कुछ महीने बाद उन्होंने क्या पाया कि 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप की कॉस्ट कितनी है? 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। क्लियर? अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक की हमारे पास एप्पल है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल की कॉस्ट हमने क्या कर ली, एक्स रिज्यूम कर ली। 1 की अगर हमें पता है, ज्यादा की निकालनी है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल भी रुपीज एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स भी वाई। तो 2 kg एप्पल 1 की कितनी है एक्स, तो 2 की कितनी होगी 2x। 1 kg ग्रेप्स की कितनी है y, तो 1 kg कितनी होगी y, और कंबाइन करके कितने रुपीस है 160। कितने हैं बच्चों 160। अब नेक्स्ट क्या आपके पास, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x, 2 मल्टीप्लाई y 2y, कंबाइन करके कितनी कॉस्ट है 300। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए 2x प्लस y इक्वल टू 160। x को क्या दिया मैंने 50, देखिए 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस y इक्वल टू 160, y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 60। क्लियर? y को मैंने 0 लिया तो x कितना आया मेरे पास 80। क्लियर है बच्चों? अब दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, x को क्या लिया 50, 4 मल्टीप्लाई 50 कितने आपके पास 200, प्लस 2y इक्वल टू 300, 2y इक्वल टू 300 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया 100, और y की वैल्यू कितनी आ गई 50। और हमने नेक्स्ट में क्या किया, x इक्वल टू 40, x की वैल्यू 40 ली तो कितना आया 160, प्लस 2y इक्वल टू 300, 2y इक्वल टू कितना आ गया 140। 140 कैसे आता है बच्चों, 300 में से 160 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारे पास 140, 140 को 2 से डिविजिबल करेंगे तो कितना आएगा 70। क्लियर? ये हमने ग्राफ पे शो किया, देखो 50 x 50 और y 60। बच्चों ये लाइन में थोड़ी आपके पास टेढ़ी है, अपने स्केल से करना है इसको, पेपर में आपने स्केल यूज करना है। क्लियर? x कितना है आपके पास 50 और y कितना है 60, x कितना है 80 और y कितना है 0, सॉरी ये था, x कितना है 80 और y कितना है 0। आपने वन लाइन ड्रॉ की, फिर नेक्स्ट ग्राफ को देखिए, नेक्स्ट इक्वेशंस को 50 50 50 50, नेक्स्ट 40 और 70, नेक्स्ट लाइन को आपने ड्रॉ किया। ये था बच्चों आपका ज्योमेट्रिकली और ये था आपका अलजेब्रिकली।